और सूटेबल हो, कंफर्टेबल हो, क्योंकि रिमूवल क्रीम वैक्सिंग हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैंने जो कल रात को मम्मी से बालों में करवाया हेयर ऑयल, क्योंकि मुझे आज करना था हेयर वॉश, और अभी मेरी मम्मी का फ़ोन आया है कि अपन को जाना है आज बाहर शॉपिंग पे, तो आज हम लोगों को बाहर जाना है शॉपिंग पे, तो आज आप भी मेरे साथ ही मैं बने रहेंगे। उस दिन तो व्लॉग में कंटिन्यू कर नहीं पाई थी क्योंकि मेरे पापा ने बोला कि काम ही बहुत है, व्लॉग को रहने दे, कोई ना रहा है। और आज मुझे बाल धोने, तो मैं आज शैम्पू कंडीशनर करने वाली हूँ चिकू का, क्योंकि चिकू ने बोला है तुम मेरे वाला यूज़ करो जो अभी मिला है, और सन बॉटनिक का वो बहुत अच्छा है कैरेटिन शैम्पू कंडीशनर, तो इसलिए मैं नहाने जाने के लिए रुकी हुई हूँ। और मैं आपको बताती हूँ, कल जो शू रेख है ना वो मैंने जमाई है, वो मैंने इधर साइड कर दी, ऐसे रखा हुआ था मैंने ऐसे कर दिया क्योंकि गेट खोलने में प्रॉब्लम हो रही थी, ऑलमोस्ट तो जमा दिए। इसमें सारे ये पैर्स मेरे हैं, नीचे तो सबके स्लीपर्स, ये चिकू के हैं, चिकू का इधर भी है, चिकू का इधर भी है, सारे चिकू के ही ऑलमोस्ट। तो मेरे भी एक दो पैर थे वो बाहर पड़े हुए, उनको भी जमाना पड़ेगा, अभी तो मैं क्या गिर जाती जो बता। बाल्टी इधर किसने रख दिया? अभी आप मेरे बाल देख लो, ऑयल किया हुआ है उससे, और ऐसे भी आपने मेरे बाल देखे हुए ही है ना, अब सूखे, जब सूखेंगे बाल तब भी देखना। चिकू की फरमाइश पर आज यूज़ होने वाला है सैंड बॉटिंग का, सैंड बॉट, आज तक मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन कंप्लीट आया नहीं है, सैंड बॉटनिक या फिर सैंड बॉटनी का शैम्पू कंडीशनर कैरेटिन वाला। सीधा बाथरूम में जाके नहा के आती हूँ। ब्रेकफास्ट तो हो गया है और अब खाने में डिसाइड हुआ है, आज प्लेन कढ़ी रोटी और चावल बनाते हैं, तो अभी चावल भिगा देती हूँ। कढ़ी के लिए दही मंगवा दिया है, तो दही जैसे ही आता है वैसे कढ़ी को फटक से तड़का मार के तैयार कर देंगे, तब तक चावल भिगा देती हूँ, चावल अच्छे से भिग जाने चाहिए इसके लिए। तो खाना बन गया है, एक तरफ कढ़ी तो कंप्लीट हो गई है, बस ऊपर धनिया डालना है, ये चावल आटा गूंथ दिया है, और साथ ही साथ धुल रहे कपड़े, तो कपड़े भी साथ ही साथ जल्दी से धुल जाए, अपन भी फ्री हो जाएंगे। और अब बस चिकू को और इनको भी कॉल कर देती हूँ, खाने आ जाओ। अरे ये लाइट चालू ही रहेगी, ये मैं सुबह सुबह चालू करती हूँ ये वाली, ताकि है ना चिकू उठ नहीं जाए करके। मैं हो चुकी हूँ तैयार और अब चलती हूँ शॉप पे। मेरी एक ये ज्वेलरी है वो डैमेज हो गई है, तो ये थोड़ी सी पापा को बोलती हूँ सही कर देंगे, पापा सही करेंगे तो फिक्स ही रहेगी, टूटेगी नहीं क्योंकि ये दो बार बिखर गई है। तो अब चलते हैं शॉप पे, 9.5 ज्वेलर्स पे। एक बार सॉक्स पहनना ही भूल गई थी, फिर सॉक्स पहनना याद आया, अब हमारी ज्वेलरी को करवाते हैं सही। तो चलिए 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 चलिए, अच्छे तार से टाइट करके देना। कल जो ज्वेलरी मेंटेन कर रहे थे उसके लिए थोड़े डब्बों की ज़रूरत थी, वो भी ले लिए, और शीश फूल भी सही करा दिया, अब जा रहे दुकान। अब तो तेरा, अभी हमारी दुकान से जो बाहर बलून लगे हुए थे वो उड़ उड़ के जा रहे थे, बच्चे खेल रहे हैं उससे, तो बच्चे को एक को बलून मिला, उसको और चाहिए, वो आ रहा है कितना सोचने के बाद। ओ बड़ा अजीब लेकर विचार उस कर रहे हो, वो तुम जाओ बाय बाय, तू तो क्यों इतना सोच क्यों रहे थे, तेरे कपड़े इतने गंदे क्यों हो गए आज? तू एमवीए में पढ़ते है? ए सुन ना, तू एमवीए में पढ़ते है? नहीं, महावीर में। हां महावीर में, तो मैं भी महावीर में पढ़ी हूं। देखो बलून चाहिए, बलून चाहिए, दे दे इसको बलून एक, ठीक है, तू कल मेरी वीडियो में आएगा। गुड हेयर का स्टॉक फिल हो रहा है, खत्म हो गया है, फुल ऑफर चल रहा है, फुल ऑफर। क्या कह रहा है कौन है? ऐसे ही दे रही आजा। शॉप करो पर ऑफर चल रहा है, फुल बिजी, बिल्कुल टाइम नहीं है क्योंकि आगे कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए मुझे रहना पड़ता है। स्टॉक की भी शॉर्टेज पड़ने पर अभी स्टॉक भी मंगवाया गया है, तो चिको भी स्टॉक ही लेने जा रहे हैं। और ये ज्योति आ गया कि बैठ गई है, तो मेरे को बिगर पूछे आ गया कि कैसे बैठ गई, क्या कर रही है बेटी बेटी? बस अभी हम फ्री हुए हैं, तो अभी आ भी रहा है शॉप करो के लिए पार्सल, क्योंकि स्टॉक की हो गई है शॉर्टेज, तो आ रहा है। किस ब्रांड का रहा है वो पता नहीं है, चिकू जैसे ही लेके आते हैं मैं बताती हूँ। आ गया है पार्सल, अभी ये पार्सल किस ब्रांड का है अभी आएगा फिर पता चलेगा।
शुगर भी दिख रहा है, शुगर क्या है किसका है? अच्छा और भी आ रहे हैं अभी तो, ये दो पार्सल रख के गए चिकू, दो और भी हैं तो लेने के लिए गए हैं, सारी ब्रांड्स के शायद शॉर्टेज पड़ने पर सारा माल आ रहा है। सारे आए नहीं अभी तक, और है पार्सल, पांच पार्सल तो आइडिया चाहिए। और आज ज्योति ने परचेज किया है ये वियोला का डियो, पूरे इंडिया में एक ही है, पूरे इंडिया में एक ही है, यानी आप सोच सकते हो कि कितनी प्रीमियम रेंज है इसके लिए। और कुछ आगे घुसा था ये ना टोटल बिल बिल। आज भी हमने सैलून में बस ज्वेलरी मेंटेन का काम किया था, और साथ ही साथ आज मैंने मेरे नेल पेंट का कलर भी चेंज किया है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है ग्रे कलर, कुछ मस्त न्यूड सा कलर है। और मैंने आपको बॉटल भी दिखाई जो कि अभी ये मिस्कोस की नेल पेंट में मैंने भी फर्स्ट टाइम ये वाला कलर ट्राई किया है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और साथ ही साथ नेल फाइल कर रही थी तो मैंने कहा यार क्यों ना नेल पेंट का कलर भी चेंज कर दिया जाए, और दोनों हाथों में सेम कलर लगाया है, बहुत टाइम बाद चेंज किया ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने कोई नेल पेंट नहीं लगाई थी, क्योंकि काम काम में पता ही नहीं रहता था। और अभी टाइम हो गया है साथ, तो अब चलते घर पर, खाना वगैरह बनाना है, तो चिकू को बोलती हूँ, अगर चिकू वहाँ से फ्री हो गए होंगे तो चलते हैं। मैं आज आपको बताने वाली हूँ प्रोडक्ट, थोड़ा टाइम है मेरे पास जब तक चिकू आते हैं तब तक, तो मैं आपको बताने वाली हूँ आज प्रोडक्ट, बेस्ट हेयर रिमूवल प्रोडक्ट, किन किन चीज़ों से हेयर रिमूव कर सकते हैं हम, वो प्रोडक्ट मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तीन ऑप्शंस रहते हैं, हेयर रिमूवल क्रीम, वैक्सिंग और रेज़र। हमारे हेयर्स पे, हमारी बॉडी पे रेज़र्स यूज़ करना जो स्किन के अकॉर्डिंग ही बने होते हैं, लेडीज़ स्किन के अकॉर्डिंग, तीनों चीज़ें हमको बॉम्बे शेविंग में अवेलेबल है। तो हेयर रिमूवल क्रीम है वो बड़ी पैकेजिंग में भी है, छोटी पैकेजिंग में भी है, ये वैक्सिंग स्ट्रिप्स भी है जो कल के मैंने व्लॉग में बताई थी। इतने सारे प्रोडक्ट्स मैंने अभी आपको दिखाए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हेयर रिमूवल क्रीम, हेयर रिमूवल क्रीम के अंदर हमारे पास बॉम्बे शेविंग में टू क्रीम्स अवेलेबल हैं, और दोनों अलग अलग साइजेस में, ये काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है, आप पॉकेट में भी इसको कैरी कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो, और ये थोड़ी बिग है जो आप आपके ऑल ओवर बॉडी पे यूज़ कर सकते हो एंड फॉर एक्सटर्नल यूज़। और इसका जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसका फॉर्मूला है, इसको हमारी बॉडी के ऊपर हमको अप्लाई करना है 2 to 3 minutes ओनली फॉर रहने देना है, एंड देन इसके साथ में एक स्पैचुला दे रखा है, इसकी स्पून दे रखी है, उससे आपको रिमूव कर देना है। इसकी पैकिंग कुछ इस टाइप की है, आपको ऐसे डायरेक्टली स्किन पे लगाना है एंड देन ऐसे करके रिमूव करना है, तो आपके हेयर साथ में निकल जाएंगे। तो ये इसकी कुछ इस टाइप की पैकेजिंग है। अगर आपकी स्किन को वैक्सिंग से प्रॉब्लम है तो ये बेस्ट ऑप्शन है स्किन के ऊपर से हेयर रिमूव करने का। और इसको दो अलग अलग क्वांटिटीज़ में डिवाइड करके रखा है हुआ है, आपको जो भी सूटेबल हो, कंफर्टेबल हो, क्योंकि दोनों साइजेस भी होना ज़रूरी है साथ में, अगर हमको कैरी करना है तो टू साइजेस हो तो अच्छा है। इसके अंदर कैसा दे रखा है देखते हैं, स्पैचुला छोटी सी क्यूट सी दे रखी होगी इसलिए, हाँ बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, स्पैचुला तो बड़ी ही है। हेयर रिमूवल क्रीम काफ़ी छोटी और काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है, तो ये आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो और साथ में कैरी भी कर सकते हो। तो हेयर रिमूवल क्रीम मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि स्किन पर अगर आपको वैक्सिंग से इरिटेशन होती हो या फिर इसकी आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है और वैक्सिंग से अगर दाने निकल जाते हैं, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, तो हेयर रिमूवल क्रीम उस चीज़ के लिए बेस्ट है, तो आप हेयर रिमूवल क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। हेयर रिमूवल क्रीम के बारे में एक अफवाह फैली हुई है, हालांकि कुछ हेयर रिमूवल क्रीम है जो हमारी स्किन को डैमेज करती है और ब्लैक भी करती है, बट ये जो हेयर रिमूवल क्रीम है इससे और आपकी स्किन है वो एक्सफोलिएट होगी, ब्लैक नहीं होगी। इस चीज़ का तो बिल्कुल कंप्लीट टर्म इसमें दे रखा है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में। कुछ कुछ हेयर रिमूवल क्रीम से स्किन वाकई ब्लैक होती है, उस वजह से लोग यूज़ नहीं करते हैं, बट ऐसा इस क्रीम में बिल्कुल भी नहीं होगा। इस क्रीम से आपके बाल भी हट जाएंगे और स्किन भी ब्लैक नहीं होगी, और स्किन साथ में और स्मूथ और नरिश और एक्सफोलिएट होगी, जो आपकी स्किन के ऊपर ब्लैकनेस है वो भी रिमूव हो जाएगी। अब सेकंड ऑप्शन पे हम जाते हैं, सेकंड ऑप्शन है रेज़र। रेज़र भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, रेज़र इसलिए अच्छा ऑप्शन है पेनलेस है, वो भी पेनलेस था, बट कोई अगर यूँ समझे कि मुझे क्रीम यूज़ नहीं करनी है, रेज़र काफ़ी यानी क्विक यूज़ प्रोडक्ट है, तो रेज़र भी बहुत अच्छा ऑप्शन है डिफेंडर।
जो कि इसकी जो पैकेजिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। ये आप डायरेक्ट आपके वॉशरूम में दीवार के ऊपर टक कर सकते हो, तो ये होल्ड हो जाता है। एंड इसका जो ऊपर का ये जो कार्ट्रिज है वो भी चेंज होता है। इसका कार्ट्रिज भी दे रखा है, यानी एक्स्ट्रा आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। इसके कार्ट्रिजेस भी अलग अलग अवेलेबल है। इससे भी काफ़ी सारी शेव्स हो जाती हैं, लगभग 15 शेव्स तो आप इससे कर ही सकते हो। इसके बाद आपको कार्ट्रिज यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। और फिर आ जाते हैं डिस्पोजेबल रेजर्स। ये थ्री डिस्पोजेबल रेजर्स का पैकेजिंग है। इसके अंदर थ्री आपको डिस्पोजेबल रेजर्स मिलते हैं। इसमें कोई कार्ट्रिजेस की और ऐसी ज़रूरत नहीं है। एक रेजर से हम 15 to 20 टाइम्स रेजर्स शेव कर सकते हैं और ऑल ओवर पूरी बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं। और ये 5 रेजर्स हैं, सेम ऐसी ही पैकेजिंग अंदर भी रहेगी, पर इसमें 5 अवेलेबल हैं, इसमें 3 अवेलेबल हैं। आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट हो आप ले सकते हो। और फिर थर्ड ऑप्शन आ जाता है वैक्सिंग। वैक्सिंग का फर्स्ट अभी जो ये ऑप्शन आया है, मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया ही था इसके लिए, ये ड्राई स्किन के लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए है। तो आप वैक्सिंग अगर प्रेफर करते हो तो ये चीज़ भी बेस्ट है। और ये आप आपके साथ कैरी भी कर सकते हो, क्योंकि जो अंदर स्ट्रिप्स है वो आप कहीं पर भी यूज़ करते हो कर सकते हो। इसके साथ आपको ना हीटर की ज़रूरत होगी, ना स्पैचुला की ज़रूरत होगी, और ना ही स्ट्रिप्स की ज़रूरत होगी। ओनली फॉर स्ट्रिप्स ही हैं, आपको स्ट्रिप्स को खोलना है और वैक्सिंग करनी है बस। और इसी के साथ पूरा बॉम्बे शेविंग का एक पूरा शेविंग किट भी बना हुआ है। ये एक तरह से गिफ्ट पैक भी है, आप अगर चाहो तो गिफ्ट भी कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको सारा जितना भी शेविंग के प्रोडक्ट जो भी यूज़ होते हैं वो सारे हैं। इसके अंदर फेस रेजर भी दे रखा है, अगर आप फेस के फेशियल हेयर रिमूव करना चाहते हो उसके लिए फेस रेजर दे रखा है। डिफेंडर भी दे रखा है और डिफेंडर फॉर्म भी दे रखा है, जो आप शेव करने से पहले आपके ऑल ओवर बॉडी पर अप्लाई कर सकते हो, तो ताकि शेव करने में आपको काफ़ी हेल्प रहे। और आफ्टर शेव जेल भी दे रखा है, ताकि आपकी स्किन काफ़ी स्मूथ और रहे। और इस पूरे पैकेज को अच्छे से पैक करने के लिए एक अच्छा क्यूट सा पाउच भी दे रखा है। कंप्लीट पैकेज है हेयर रिमूवल का। तो मैंने आपको जो प्रोडक्ट्स बताए वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आप इस टाइप का कुछ ढूंढ रहे हो तो मैंने आपको बता दिया है मेरे व्लॉग में। और अगर आपको परचेज़ करना है तो शॉप करो की वेबसाइट पे भी जाके परचेज़ कर सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दूँगी। तो शॉप करो पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके भी आप इस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हो। घर पर आ गए थे, घर पर आने के बाद खाना बना रहे हैं, और खाने भी बन रहा है आज आलू नहीं पत्ता गोभी मटर की सब्ज़ी, जो कि मम्मी ने बनाई है। और मैंने अभी आटा बांध के पराठे बना रही हूँ। और मैं यहाँ किचन में बैठ के फ़ोन चला रही थी, क्योंकि किचन को रूम में थे, उनको डिस्टर्ब हो रहा था ऐसा मुझे लगा, तो रूम में आके इंस्टाग्राम में जो मैंने मैसेज लिए, तो अभी बना देती हूँ खाना। खाने में यानी पराठे बना देती हूँ, और फिर बाकी का काम। खाना बना के लेके आ गई हूँ मैं कम्प्लीटली पत्ता गोभी मटर की सब्ज़ी, जो कि आज मम्मी ने बनाई है। हमेशा मैं बनाती हूँ, फर्स्ट बार मैं मम्मी के हाथ की टेस्ट करने वाली हूँ। और ये पराठे, और घी में तेल में सेका हुआ पापड़ है। आज तो चिकू के तो घी में ही सेकती हूँ, क्योंकि चिकू को तेल वाला कम भाता है और चिकू बिकाजी वाला ही पसंद करता है, ये देसी वाले पापड़ पसंद नहीं करते हैं। सो इसीलिए तो खाना खा लेते हैं। दोनों का खाना मैंने लगा दिया है, और बस यहीं पर कर देती हूँ व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलता है कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय। डेजर्ट टाइम। चुगू मेरे लिए निकाल के नहीं लाते, इनके लिए निकाल के लाते हैं। और मैंगो फ्लेवर, मैंगो आने से पहले मैंगो का फ्लेवर।